बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यार, ईद के ऊपर मैंने किसी के लिए खरीदी है खुद से, तो एक छोटा सा गिफ्ट है जी, भेजूंगा ईद के तौर पर। जैसा कि हम किसी दौर में, आपको पता है, हम दोस्त अखबाब आपस में एक दूसरे को ईद कार्ड भेजते होते थे, तो मैंने बोला कि भाई ये भेजूंगा आज। आप तो जाहिर सी बात है, लास्ट आज रमजान चल रहा है, कल ईद मना रहे होंगे, और हमारे, जैसा कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ छुट्टी के तौर पर, तो हमारे हो सकता है कल भी रोजा हो, तो बहरहाल आज भेज दूंगा जी। मैंने बोला आपके साथ की वीडियो क्लिप इसका शेयर कर दूँ। मैं एक लाया हूँ, एक छोटी सी चीज़ है जी, किसी के लिए मैंने बोला भेजते हैं, उसको पसंद आए ना आए वो अलग से मामला है। अलग से मामला ये है, एक्सेप्टेबल होगा भी नहीं, होगा या नहीं होगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो बहरहाल मैंने सोचा चलो भेज दूंगा। एक चीज़ मैं अभी बैक कैमरे से आपको थोड़ा इसका व्यू दिखाता हूँ, आप देख लें। मैंने गिफ्ट लिया किसी के लिए, आपको दिखाता हूँ जी। तो अभी आपको मैं ये ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं ये मेरे वाले शूज़ पड़े हुए हैं, इनकी वीडियो मैं ऐसा ही टाइम ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो बहरहाल ये मैंने जो चीज़ ख़रीदी है अभी, तो आप देख लें जी इसकी लुक। अच्छा, मुझे ये खूबसूरत लगा यार, ये वेलवेट में है, देख लें आप, नरम सी इसकी लुक है, और अंदर से देख लें इसकी गोल्ड शेप है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है। और फ्रंट साइड से देख लें आप, मैं आपको घुमा कर दिखा देता हूँ, देख लें। अच्छा, लेडीज़ ज़्यादा जानती हैं इनके मुतल्लक। मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगी चीज़, और इसकी बनावट मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने बोला यार ये ख़रीद लेता हूँ, आगे अभी एक्सेप्टेबल हो जाए तो वही बेस्ट रहेगा। तो बहरहाल देख लें, हैंडमेड है वो, मुझे बता रहे थे, मुझे तो पता नहीं है इसके मुतल्लक, तो मुझे बोल रहे वो थे कि ये हाथ से सिला हुआ है, मशीनी सिलाई नहीं है इसकी। तो पाकिस्तान की मशहूर दुकान है जी एक्सटेलो, ये तो आपको पता है। तो बहरहाल मैंने बोला कि चलो ये एक चीज़ ख़रीद लेते हैं और भेजते हैं, तो आपको भी दिखा दूँ मैंने बोला। बाकी आपको बताऊँगा फिर ये एक्सेप्टेबल, यानी कि आगे से उन लोगों ने ली या नहीं ली, या वापस भेजी थी, क्या बना, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा फिर।